नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक व्यूवर हैं जो हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं, उन्होंने ही सेंड किया है और इस वीडियो में जानकारी मांगी है कि ये किसका पौधा है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा। और हाँ, अगर आपके आसपास जो भी जड़ी बूटी, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसकी आप जानकारी लेना चाहते हैं, नाम और इसके फ़ायदे जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ पहले तो आप 5 मिनट का वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो कड़ी मिलाकर के चलिएगा, तो देखेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं, इसकी मैं आपको पहचान करा देता हूँ, इसके मैं फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, इस दिव्य जड़ी बूटी का नाम है ब्रह्मदंडी। इसको ब्रह्मदंडी, ब्रह्मदंडी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो छोटी ब्रह्मदंडी, दूसरी बड़ी ब्रह्मदंडी। तो यहाँ पर जिस आप देख रहे हैं वीडियो, ये है बड़ी ब्रह्मदंडी। इसको बड़ी ब्रह्मदंड के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी होती है और ये एड़ी से लेकर के चोटी तक के उन बीमारियों को दूर करने का गुण रखती है, जिन बीमारियों को दूर करने के लिए आप डॉक्टर और हकीम वैद्यों का चक्कर लगाते हैं, अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को आप बगैर फालतू ही दे देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये ब्रह्मदंडी, इसको ब्रह्मदंडी, ब्रह्मदंडी या बृहद ब्रह्मदंडी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो चलिए, अब मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ जो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। तो ब्रह्मदंडी में लीवर संबंधित सभी विकारों को दूर करने का शक्तिशाली गुण होता है, लीवर। अब दोस्तों, लीवर में बहुत से ऐसे गुण हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लीवर में रोग हो जाते हैं जो आपके लिए हानिकारक होंगे। जैसे कि लीवर में पेन हो सकता है, यानी कि दर्द हो सकता है, लीवर में सूजन हो सकती है, लीवर में हेपेटाइटिस ए बी सी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, यकृत सिरोसिस हो सकता है, या फिर लीवर का कैंसर इत्यादि विशेष परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पीलिया होना ही लीवर में कमी के कारण होता है, या फिर आपको भूख न लगती हो तो वो भी जिगर में गर्मी के कारण हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये औषधि बहुत ही बेहद मानी गई है, बहुत ही रामबाण मानी गई है। इसके लिए आपको लेना क्या होगा, ब्रह्मदंडी आपको लेना है, ब्रह्मदंडी भुई आमला मकोई पुनर्नवा। याद रखिएगा, ब्रह्मदंडी भुई आमला मकोई पुनर्नवा, ये जो मैंने 4 औषधियाँ बता रखी हैं, इनको आपको समान मात्रा में ले लेना है, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में ले लेना है। लेकर के आप मोटा मोटा कूट करके क्वाथ कीजिएगा, यानी कि मोटा मोटा कूट लीजिएगा और कूट करके आप 2 चम्मच शाम को पानी में फुला दें, 1/2 लीटर पानी में। सुबह उबाल करके अगर पीते हैं 1/2 कप के बराबर, तो ये लीवर संबंधित सभी विकारों को दूर करता है। दोस्तों, इसको प्रयोग कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इस औषधि के पंचांग को तोड़ना है और तोड़ करके आपको इसको सुखा देना है। बस सुखाने के बाद ही आपको इसको प्रयोग करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फायदेमंद होता है ये, बहुत ही गुणकारी अमृत समान माना गया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे कि किसी किसी को इरेक्शन नहीं आता, यानी कि स्टेमिना की कमी होती है, सिगरेट डिस्चार्ज हो जाती हैं जो भाई, या फिर जिनका वीर्य गाढ़ा नहीं है, शुक्राणु की कमी होती है, या फिर तनाव उत्तेजना नहीं आता, इत्यादि अगर कोई समस्या है, तो उसके लिए भी ब्रह्मदंडी अमृत समान मानी गई है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रह्मदंडी को उखाड़ करके इसकी जड़ निकाल लेनी है। ये जो देख रहे हैं ना, इसकी आपको जड़ निकाल लेनी है। जड़ निकालने के बाद आपको उसको सुखा लेना है छोटे छोटे टुकड़े करके। फिर आप 100 ग्राम आप ब्रह्मदंडी की जड़, 50 ग्राम आपको लेना है अश्वगंध, 25 ग्राम लेना अकरकरा और 20 ग्राम जावित्री, जायफल, सौंठ और पिपली। ये जो मैंने नुस्खा बता दिया, ये जो मैंने आपको मात्रा बता दी दवा की, इन्हीं को लेकर के कूट पीस कर लेकर और चूर्ण तैयार कर लेना। बस शाम को सोते समय 1 चम्मच चूर्ण को आपको दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ खाना खाने के बाद सेवन कर लेना है। ज़बरदस्त आनंद आएगा, टाइमिंग बढ़ेगी, जो तनाव उत्तेजना से सामान भर जाएगा और ये बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। ज़बरदस्त स्टेमिना बढ़ाता है, ज़बरदस्त ताकत देता है और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रहती है। और ये ब्रह्मदंडी है, और इसको ब्रह्मदंडी, ब्रह्मदंडी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर कोई भी वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें 5 मिनट का वीडियो जरूर भेजिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। धन्यवाद।